हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। पहले कल के जो वीडियोस बनाए थे उससे रिलेटेड हम यहाँ पर रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर निफ्टी 50 और निफ्टी मेटल से रिलेटेड बातें करी थी, तो सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं निफ्टी 50 और निफ्टी मेटल किस तरीके से काम कर रही है। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें या जितने भी इंडाइसिस है उनकी बात करें तो अच्छे खासे भागते हुए दिखाई दिए। आज की डेट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी लगभग 417 पॉइंट की अच्छी खासी जंप दिखाई दी और रेजिस्टेंस पॉइंट था उसे भी यहाँ पर क्रॉस करते हुए दिखाई दिए और मतलब अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। और ये जो डोजी बनी थी ये इसने काम करते हुए दिखाई दिया, तो अब क्या होता हुआ दिखाई देगा उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट उससे पहले और भी कुछ बातें कर लेते हैं। हमने बात करी थी निफ्टी मेटल की। निफ्टी मेटल की अगर हम यहाँ पर देखते हैं, निफ्टी मेटल में भी एक अच्छी खासी यहाँ पर कवरिंग होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए एक मैंने इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये शेयर अच्छा खासा भाग सकता है और यहाँ पर जो बॉटम जो ये डबल टॉप बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये टूटना मुश्किल है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने की नहीं, यहाँ पर लॉन्ग करने की जरूरत है। तो यहाँ पर लॉन्ग ही हुआ और यहाँ पर चीजें भागती हुई दिखाई दी। इसने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसे क्रॉस किया, बट एक बेहतरीन यहाँ पर रेजिस्टेंस पे दोबारा खड़ा हुआ है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और मैंने एक चीज और बात बताई थी कि यहाँ पर ट्रैप मत होना इस बार, क्यों? क्योंकि अगर चीजें ऊपर जाके यहाँ पर इसे ना क्रॉस करके चीजें दोबारा नीचे आ सकती है तो काफी लोगों को ऊपर के लेवल पे फंसा सकती है, इस चीज को भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। तो यहाँ पर और क्या चीजें से रिलेटेड बातें करी, हमने बात करी थी यहाँ पर डोजोन्स से रिलेटेड। हमने यहाँ पर डोजोन्स भी देखना, डोजोन्स किस तरीके से बिहेव कर रहा था। डोजोन्स यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर गया, ऊपर पहले नीचे गया, नीचे जाके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर फ्लैट यहाँ पर इसने क्लोजिंग देता हुआ नजर आया था। और एक अगर कह सकते तो लगभग डोजी बनाते हुए ही दिखाई दे रहा है, तो शायद अगर इस लेवल को आज की डेट में निकाल देता है तो एक अच्छी खासी रैली होती हुई दिखाई देगी। तो याद रखिएगा फिर निफ्टी 50 और दूसरे इंडेक्सेस में भी आपको क्या करनी है, रैली करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर नैसडैक की। तो नैसडैक की अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर गिरावट दिखाई दी थी और ये आपको पता आईटी का इंडेक्स है, एक तरीके से टेक्नोलॉजी के शेयर इसमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है जब तक ये यहाँ पर इस लेवल से 12,532 इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर तो समझिए कि कोई भी यहाँ पर तेजी होना थोड़ा मुश्किल है। और एक बार इस लेवल से ऊपर गया तो सीधे यहाँ पर 13,523 फिर 14,300 और फिर ये 1,500 के 15,190 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है। तो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, उसके हिसाब से यहाँ काम करिएगा। क्यों? क्योंकि अभी काफी लोग खुश हो गए होंगे कि यहाँ पर निफ्टी 50 भाग गया, बट स्टिल जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गिरावट हुई थी तो उसमें जो लॉस हुआ था वो यहाँ पर रिकवर भी नहीं होता हुआ नजर आया जब 400 पॉइंट की यहाँ पर तेजी हुई है। बट मैंने कल यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे जब हम बात कर रहे थे, टिन प्लेट यहाँ पर देख सकते हैं, टिन प्लेट और डीसीएम श्रीराम आपको बताया था। तो टिन प्लेट आज की डेट में देख सकते हैं लगभग 11 से 12% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया है, तो 43% के यहाँ पर टारगेट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डीसीएम श्रीराम में यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर एक कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको बताया सीधा सिंपल बता दिया था कि ये एक इसका दिखाई दे रहा है सपोर्ट। और इस सपोर्ट को अगर ये यहाँ पर कैरी सपोर्ट कर देता है गिरता नहीं है तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इसी के आसपास आके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी और लगभग एक हैमर टाइप में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी खासी तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान में देना है। इसके अलावा हमने बहुत सारे स्टॉक जैसे नाहर पॉली की बात करी, यहाँ पर तेजी थी लगभग 5% की। SBI कार्ड्स यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। अबाउट इंडिया की बात करी थी, प्री लाइट की बात करी थी, एशियन पेंट की यहाँ पर बात करी थी कि गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टार्टिंग में तो ये गिरा ही था और गिरने का फिर भागता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग होती है थोड़े जो प्राइस रेशो और सब चीज देखा जाता है, प्राइस एक्शन वगैरह उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ होता हुआ दिखाई दे गया। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक्स। इसके अलावा बीसीजी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीसीजी ब्राइटकॉम ग्रुप। तो ये जितने भी शेयर है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, मेरे अकाउंट में आ चुके हैं इसलिए मुझे पता है, और आपके में भी आगे होंगे। बट अभी इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 19 तारीख को ये शेयर लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। अभी डिपोजिटरी से बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पर NHDL CDSL जहाँ पर भी इनकी बातें चल रही है ये लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद
यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ट्रेडिंग शुरू होगी तो यहाँ पर एक मूवमेंट दिखाई देगी। तो इस चीज इस रेंज को याद रखिए, ये जो 61 रुपए 15 पैसे की रेंज है, जो 61 रुपए 10 पैसे की, इसे अगर तोड़ता है तो याद रखिए गिरावट होती हुई दिखाई देगी 53 तक। ओके, और 53 भी क्यों कहूँ मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 52.95 तक। और एक बार अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो फिर सीधे यहाँ पर 37 तक ही शेयर आ सकता है। बट मोस्ट चांसेस है, ओके, और इसके रिजल्ट भी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो रिजल्ट वगैरह सब देख लीजिए। तब तक अगर ऊपर जाता है, यहाँ तक भी जाता है, चुपचाप बेच के निकलिएगा। अभी 1 वीक का टाइम शायद मेरे ख्याल से अभी भी है इसमें, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबका टाइम यहाँ पर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिएगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद यहाँ पर डिसाइड करिएगा कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्ट। तो अब हम बात करते हैं, तो ये सब चीज यहाँ तक कल का जो व्यू था हमने देख लिया। अभी मैं बात करूंगा कुछ और चीज की। ओके, कल हमने मेटल की बात करी थी, तेजी हुई, आज मैं बात करूंगा आईटी की। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें से रिलेटेड डेली वाइज हम बताते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये तेजी हो रही है निफ्टी 50 मिड कैप स्मॉल कैप, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ओके, ये क्रॉस करना बहुत जरूरी है, फिर ये रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करना जरूरी है, और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना मेन जरूरी है अच्छी तेजी के लिए, और फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को, और अच्छी तेजी के लिए तो मेन ये है, बना पड़ा है 18,500 का लेवल, इसे क्रॉस करना जरूरी है। जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा तब तक यहाँ पर आप समझिए कि एक दायरे में ही ऊपर जाके फिर दोबारा फंसा के चीजें शायद नीचे आ सकती है। तो आप इसी रेंज में काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। और आपको करने की क्या जरूरत है कि अगर ऊपर जाता है, ओके, और इस यहाँ शायद इस बार, जैसे कि यहाँ पर इस बार यहाँ पर आके चीजें फंसी थी, इस बार हो सकता है कि चीजें यहाँ पर आके 17,141 या फिर 17,400 के आसपास चीजें आके, ओके, फिर नीचे आ सकती है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ओके, और इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है यहाँ तक पहुंचने के लिए भी। तो इंच लेवल की तरफ ध्यान दीजिएगा और निकले तभी। और अगर आप किसी शेयर में नो लॉस नो प्रॉफिट में या प्रॉफिट में भी आ रहे हैं, ओके, तो निकलिए, निकल के फिर वेट करिए, वॉच करिए, और नीचे जब चीजें आ जाए तो यहाँ पर खरीदिएगा, तो स्विंग ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। बाकी लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर डिप्स पे आप बाई करते रहिए, वो आपकी इच्छा है ही। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज की, जो निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी की बात करेंगे। निफ्टी आईटी की अगर मैं यहाँ पर आपको चीजें दिखाऊं कुछ, तो निफ्टी आईटी में देख सकते हैं एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बनाया, जो कि हमने यहाँ पर बताया था आपको, एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज उसी सपोर्ट से यहाँ पर टर्न होता हुआ दिखाई दिया, और अच्छे खासी 815 पॉइंट की लगभग 2.77% की यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दी। सबसे पहले मैं आपको दो स्टॉक्स ऐसे बताना चाहता हूँ जिनके रिजल्ट काफी बेहतरीन थे, जिनकी तरफ आपको देखना चाहिए, और अगर आप उन्हें अभी खरीदते हैं तो एक बेहतरीन प्राइस पे मिल रहे हैं, एक और बड़े सस्ते में वो शेयर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन शेयर की तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर SLS सॉल्यूशन, SLS सॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था, इसके जब क्वार्टरली और एनुअली दोनों बेसिस पे जब रिजल्ट देखेंगे तो हर चीज में बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है, और लगभग बेहतरीन कंपनी भी है। ओके, यहाँ पर चीजें ऊपर गई, ऊपर देखिए जिस दिन रिजल्ट आया था चीजें ऊपर गई, नीचे आई, और नीचे आने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं इसमें ऑलरेडी बायर हूँ, मैंने अभी इसी प्राइस के आसपास यहाँ पर खरीदा है। और अगर हम देखें तो ये शेयर को अगर इस रेंज को निकाल लेता है, इस वाली रेंज को 1049 की रेंज को, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू शेप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डब्ल्यू शेप जब भी बनती है तो एक रैली होती हुई दिखाई देती है। तो एक इस पॉइंट को और फिर इसको निकालना बहुत जरूरी है, डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये निकाला तो अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो SLS सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा हमें आपको ध्यान ध्यान देना है एक पर्टिकुलर स्टॉक जिसका नाम है साइंट, साइंट लिमिटेड, बार 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 अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई दिस स्टॉक इज फॉलिंग, ओके, बट कोई इशू नहीं है, जब इतना गिर रहा है अच्छी बात है। यहाँ पर इसने एक बार बार सपोर्ट बन एक बेहतरीन सपोर्ट बना लिया है, ओके, ऊपर जाके ये बार बार इस लेवल पे आके, इस रेजिस्टेंस पे आके बार बार नीचे गिर जाता है, बट यहाँ पर एक दो तीन और यहाँ पर 3 बार ये इस लेवल को निकालने की कोशिश कर चुका है, बट दिस टाइम जब ये यहाँ पर से निकलेगा तो याद रखिए एक ऊपर की तरफ जाता है। इसके अलावा ये इक्वल एक चैनल होता है, ओके, एक चार्ट पैटर्न होता है, इक्वल चैनल चार्ट पैटर्न जब भी बनता है तो भी एक रैली
खाली होती हुई दिखाई देती है, या तो नीचे की तरफ फिर डाउन साइड आता है या ऊपर। तो डाउन साइड तो मुझे नहीं लगता, क्यों, क्योंकि जितनी गिरावट होनी थी हो गई, तो अपसाइड की बड़ी गुंजाइश है। तो शायद 3 महीने के अंदर अंदर ही इस लेवल को निकालने के बाद अच्छे खासे यहाँ पर 1075 और यहाँ पर और भी तेजी करके 1200-1300 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा, शायद ये राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये दो शेयर, जैसे कल मैंने आपको यहाँ पर टिन प्लेट, डीसीएम श्रीराम बताया था, आज की डेट में मैंने आपको ये दो शेयर बताया जो कि साइंट और एसएलआई है। इसके अलावा और भी मैं स्टॉक की बात करने वाला हूँ, यहाँ पर खत्म नहीं होते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं। माइंडट्री, सबसे पहले माइंडट्री, माइंडट्री का मैंने आपको जब यहाँ से गिरा था तभी बता दिया था कि ये एक इसका सपोर्ट सीधे यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यही सपोर्ट बना और यही सपोर्ट से यहाँ पर चीजें बदलती हुई दिखाई दी। कल यहाँ पर जब गिरा था उस टाइम मैंने यहाँ पर कुछ बाइंग करी थी और कुछ एवरेज एवरेज किया था, क्यों, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट में यहाँ पर आ रहा था। इसके अलावा जो यहाँ पर कैंडल बार बार बन रही थी एक तरीके के, वो ही कैंडल यहाँ पर बाइंग का सिग्नल भी दे रही थी। आज की डेट में यहाँ पर 4.5% का यहाँ पर माइंडट्री में तेजी भी है। इसके अलावा आप यहाँ पर एलटीटीएस की तरफ ध्यान दीजिए, एलटीटीएस भी यहाँ पर एक बेहतरीन शेयर है। आपको पता ही है आज के दिन में लगभग 8% भागा है। ओके, इसने अपने सारे सपोर्ट को तोड़ दिया था, सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहीं पर ही एक आसपास यहाँ पर बन रहा था इसका सपोर्ट, नीचे आ गया है। ओके, और नीचे आने के बाद जब भी इस तरीके की गिरावट होती है, इसके बाद जब ये इस लेवल को निकालेगा तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी यहाँ तक, यहाँ के इस ये जो लेवल है इसे अगर और निकालता है तो और तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। एलटीटीएस की तरफ ध्यान दीजिए, एलटीटीएस एक अच्छा स्टॉक है, सब कुछ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर अच्छा नजर आता है। इसके अलावा लार्सन टुब्रो एंड इन्फोटेक, ये शेयर भी देखिए यहाँ पर से इसने अपने सारे, मतलब राउंडिंग बॉटम के जितने ये होते हैं ना, राउंडिंग बॉटम को पूरा का पूरा इन स्टॉक्स ने सॉरी राउंडिंग टॉप बना के अब ये राउंड ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी गिरावट होनी थी आधी आधी रेंज पर ये स्टॉक आ गए हैं, 50-50, 40-50% की गिरावट हो चुकी है। तो इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए, और इस शेयर को तो एक बेहतरीन शेयर है परसिस्टेंट सिस्टम। ओके, और इस शेयर की तरफ इसलिए ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि बार बार इसी लेवल पे आके ये बार बार घूमता है। इस बार भी देखिए यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया है, ये इसका रेंज है ये पूरा का पूरा 3400 के आसपास का। ओके, और मुझे नहीं लगता है अब ऊपर नीचे गिरेगा, एक सपोर्ट नजर आता है और ऊपर एक बार इस लेवल को इसने निकाला तो अच्छी खासी यहाँ पर तेजी हो सकती है। आज मैंने बाइंग का ऑर्डर लगाया था बट ये मुझे मिल नहीं पाया। ओके, ऊपर ही रह गया, मैंने और कुछ प्राइस पर लगाया था, लगभग 3620 के प्राइस पर लगाया था, तो यहाँ पर नीचे आया नहीं, आईटी में तेजी हुई और ये ऊपर ही जाता हुआ दिखाई दिया। बट कोई इशू नहीं है, परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ भी आपको ध्यान देना है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अगर तो हम मैं कुछ सोच रहा था, इस बार आपसे राय भी लेना चाहता हूँ, तो कमेंट भी करिएगा इसके रिगार्डिंग। तो हम डेली वाइज, डेली मीन्स जब भी हम मैं आपको एक टाइम दूंगा, ओके, उस टाइम के अकॉर्डिंग या तो ड्यूरिंग द मार्केट या आफ्टर मार्केट, ओके, हम एक लाइव सेशन रख सकते हैं। ओके, और लाइव सेशन में आपके जितने भी स्टॉक्स हो, आपको जिन जिन स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो, ओके, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको यहीं पर ही लाइव में यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपके फंडामेंटली भी चेक कर लेंगे शॉर्ट में, और यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से भी हम बात कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर एग्री है तो आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, ओके, और फिर हम इसे एक दो दिन में शुरू कर सकते हैं और डेली वाइज यहाँ पर कर सकते हैं डेली। तो अगर आप करना चाहते हैं ये सब चीज, आप मेरा इसमें साथ देना चाहते हैं और कोई क्वेरीज अपनी सॉल्व कराना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करिएगा, हाँ ये चीज हम अच्छा शुरू कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, हाँ आप लोग लाइव चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जितने भी लोग, अगर मुझे मैक्सिमम लोगों की मिलेगी कि हाँ यहाँ पर लाइव चाहते हैं, अगर 10 पीपल भी यहाँ पर कहेंगे कि हाँ लाइव सेशन हमें डेली चाहिए, तो यहाँ पर हम फिर लाइव सेशन यहाँ पर शुरू कर देंगे। एटलीस्ट 10 कमेंट मुझे यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर लाइव शुरू करना है, तो लाइव शुरू फिर हम डेली वाइज के हिसाब से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और आपकी क्वेरीज हाफ आवर से 1 आवर के हम सेशन रखेंगे डेली, और फिर डेली हम यहाँ पर लाइव भी आया करेंगे ड्यूरिंग द मार्केट या आफ्टर मार्केट, आपके क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इसमें ये होगा कि आपके जितने भी स्टॉक्स है, ओके, आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि काफी लोगों को काफी दिक्कतें आती रहती है, और कोई अगर खरीदना चाहता है तो उससे रिलेटेड भी हमारी ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि वो उनकी भी अगर कोई क्वेरीज हो तो हम लाइव में यहाँ पर कर सके। तो आप यहाँ पर मैक्सिमम लोग कमेंट करिए इफ यू रियली वॉन्ट दैट पर्टिकुलर लाइव सेशन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।